हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको C65 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की ऑटो टच की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका मोबाइल फोन अपने आप ही टच होने लगता है यानी कि ऑटो टच करने लगता है, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। सबसे पहले तो आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे पहले अबाउट फोन के सामने अगर अपडेट का बटन दिखाई देता है तो इसे टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे ऑटो टच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगला काम यह करना है कि आपके मोबाइल फोन में जो ऐप आपके अपडेट नहीं है उन सभी को अपडेट करना है। कैसे करेंगे, देखिए फोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। इसमें आपको राइट साइड के टॉप पर ये प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करना है। आपका ये वाला पेज आएगा, इसमें आपको मैनेज ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको ये अपडेट अवेलेबल के नीचे अगर ये सी डिटेल का ऑप्शन दिखाई देता है तो इसे टैप करना है। आपका ये पेज आएगा, इस पेज में आपके मोबाइल फोन के वो सभी ऐप दिखाई देते हैं जो अपडेट नहीं है। ठीक है, इन सभी को अपडेट करना है इस अपडेट ऑल के बटन पर टैप करके। ठीक है, अब दोस्तों अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स हैं इन सभी को रीसेट करना है, यानी कि सभी का डेटा क्लियर करना है। कैसे, देखिए आप किसी भी आपको उंगली से दबा के रखिए, आपका ये छोटा सा पेज ओपन होगा। इसमें आपको ऐप इन्फो पे टैप करना है या फिर सर्कल के अंदर जो आई बटन है इसे टैप करना है। आपका ये पेज आएगा, इसमें स्टोरेज पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे क्लियर डेटा पे टैप करना है। आपका ये पेज आएगा, इसमें पहले तो क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस क्लियर कैच के पेज में ओके पे टैप करना है। आपका ये कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। इसके बाद दोबारा से क्लियर डेटा पे टैप करना है। आपका डिलीट ऑल डेटा का पेज आएगा, इसे ओके करना है। आपका इस यूजर डेटा के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। इस तरीके से मोबाइल फोन के सभी ऐप्स को रीसेट करना है। ठीक है, अगला काम ये करना है मोबाइल फोन को रिबूट करना है। इसके लिए आपको मोबाइल फोन के साइड वाला पावर बटन उंगली से दबा के रखना है। आपका ये पेज आएगा, इसमें रिबूट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया, ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से ये होता है, हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है ना, अब दोस्तों अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहां पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। ठीक है, रीसेट आप लिखेंगे ना तो नीचे आपको फैक्ट्री रीसेट का एक ऑप्शन शो हो जाएगा। थोड़ी देर में आपको वेट करना पड़ेगा यहां पे लिख के। तो ये देखिए, फैक्ट्री रीसेट पे आपको टैप करना है। आपको इस पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की ऑटो टच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा का सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है ना, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे ना, इससे आपके फोन की ऑटो टच की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ऑटो टच की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसकी वजह से आपका मोबाइल फोन ऑटो टच कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। ठीक है,